चलो इसमें देखो, क्वेश्चन वही आ रहे हैं, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन की अगर मैं बात कर दूं 25 में से, दो तीन क्वेश्चन टाइम टेकिंग, लेंथी और कंफ्यूजिंग है, जिसमें से एक तो सिलोजम है, एक मिसिंग नंबर है, एक किसी शिफ्ट में सीरीज का है, किसी शिफ्ट में एनालॉजी का है। तीन क्वेश्चन चार मान लो यार, बट 21 क्वेश्चन वही है जो मैं करवा चुका, जो मैंने आपको करवाया है, ठीक। बाकी जो चार क्वेश्चन है उनमें भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा कूल माइंड से सोचते तो वो भी हो जाते हैं। बेस्ट अटेम्प्ट मैं बताऊंगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका तो बेस्ट अटेम्प्ट 25 या 24 रहना ही रहना है। 24 से नीचे अगर आप करके आ रहे हो तो आप रीजनिंग में गलत हो, फिर आप रीजनिंग नहीं सीख पाए। अभी आपको फिर रीजनिंग नहीं आती अगर आप 24 या 25 क्वेश्चन नहीं करके आते। किसी एक क्वेश्चन से जिद मत कर लेना कि नहीं मुझे तो रीजनिंग पूरी आती है, मैं तो विक्रमजीत सर से पढ़ा हूं, मैं तो पूरी करके आऊंगा। जिद है भाई 25 के 25। एक क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम टेकन हो स्किप कर दो। मैं खुद बता रहा हूं, मेरे से सीखी है तो मैं ही बता रहा हूं भाई, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक। पूरी जबरदस्ती नहीं, ना मैं तो 50 लूंगा, ना मैं तो 50 लूंगा, चाहे मैं कहीं इतनी जिद कर लो मैं रीजनिंग में, सर जिद है मुझे 50 लूंगा, और मैं टोटल भी चाहे 50 ही लूंगा पर रीजनिंग में 50 लूंगा। ऐसी जिद मत करना कि बाकी सेक्शन ही ना करो, ठीक। आ जाओ।